नमस्कार, मैं सुनीता विश्वकर्मा आपका इस एपिसोड में स्वागत करती हूँ। आज हम एबेकस पे मल्टीप्लिकेशन के टू डिजिट मल्टीप्लाई वन डिजिट सीखने वाले हैं एबेकस पे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे सम 79 मल्टीप्लाई टू 79 मल्टीप्लाई टू 158। ठीक है, अभी 79 मल्टीप्लाई टू हे सम अपन एबेकस पे अभी हमें कैसे करना है वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, टू सेवन जा पहले टू टू नाइन टेबल आना ही चाहिए। अगर जैसे टू टू नाइन टेबल आपको नहीं आ रहा है तो भी आप सम करने बैठे हो तो आपको पहले अपने नोटबुक में टू टू नाइन तक का टेबल नोट डाउन करना है, उसके बाद ये सम स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 79 मल्टीप्लाई टू 79 मल्टीप्लाई टू अभी 1 2 3 कितना डिजिट है 1 2 3। अभी ये मल्टीप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पे ये देखना है कितने डिजिट है 1 2 3। अभी यहाँ से हमें क्या करना है 1 2 3 1 2 3। अब ये थ्री डिजिट से हम यहाँ थ्री डिजिट हम पीछे आएंगे, मतलब हमने क्या किया फर्स्ट वाला कैसा किया वन था, वन डिजिट था तो हमने क्या किया ये दो बिट्स में हमने ये सारे सम सॉल्व किए। अभी क्या करना है थ्री डिजिट है 1 2 3। अभी क्या करेंगे 1 2 3 अभी थ्री रोज हम पीछे आएंगे। अब यहाँ से हम सम स्टार्ट करेंगे। अब क्या है यहाँ पे 2 7। अभी यहाँ से क्या करेंगे यहाँ पे मैंने देखो यहाँ से वन नंबर किया है तो यहाँ पे 2 7 2 7 14। तो अभी 2 7 14 आएगा तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है 2 7 14 करना है तो ये 10 और 1 2 3 4। अभी हमने क्या किया यहाँ पे 4। तो यहाँ पे हमने क्या किया ध्यान देना क्योंकि पहले हम इसकी वैल्यू जीरो समझे थे पर हमारा वो वन डिजिट का मल्टीप्लाई क्या था, अभी ये क्या है थ्री है मतलब टू डिजिट करना है तो 79 मल्टीप्लाई टू करना है तो अभी 7 2 7 14। तो हमने क्या किया 10 11 12 13 14 ये हमने क्या किया 14 को ऐड किया। ठीक है, अभी यहाँ पे सेकंड हमें क्या करना है 2 9 18। अब 2 9 18 हमें यहाँ पे करना है। अभी 2 9 18 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे क्या है 10, यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या था पहले 10 था। ठीक है, यहाँ पे 10 नहीं है तो यहाँ पे क्या हमारे पास यहाँ पे 0 बिट्स है। अभी ये देखा अभी तक हमने यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई किया 2 7 14 तो 2 7 14 करने के लिए हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये थर्ड वाले रोज हमने स्टार्ट किया। अभी हमने कहाँ पे आए सेकंड पे, कहाँ पे आए सेकंड पे 2 9 18। अभी हमने सेकंड पे तो हमें क्या करना है सेकंड से आंसर करना है तो अभी यहाँ पे 10। अभी पहले हमें क्या करना है 2 9 18 होगा 2 9 18 तो यहाँ पे हमारे पास 10 है नहीं, यहाँ पे कितने बिट्स है 0 तो अभी हमारा यहाँ पे 0 बिट्स है तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो हमारे स्मॉल फॉर्मूला था वो हमें यहाँ पे ऐड करना है। स्मॉल फॉर्मूला क्या है यहाँ पे हमारा ऐड क्या था 50 less 40। हमने क्या किया 50 को ऐड किया 40 को लेस किया तो हमने ये क्या किया 10 को ऐड किया। अभी कितना करना है 8 तो 5 6 7 8 तो यहाँ पे कितना है 150 55 56 57 58 दैट इज आंसर कितना आया 58। पर ये सब सॉल्व करने से पहले हमने एबेकस पे और ध्यान देना कि ये मल्टीप्लिकेशन करने के लिए और भी बिट्स अपने ये मिडिल बार को टच नहीं रहने चाहिए नहीं तो आंसर रॉन्ग आया। तो अभी आपको समझा 100 50 55 56 57 58 तो यहाँ पे कितना आया 158। तो वैसे ही हमारा ये हम नेक्स्ट वाला सम करने वाले हैं 72 मल्टीप्लाई 5। अभी 72 मल्टीप्लाई 5 तो हमने क्या यहाँ पे 1 1 2 3 यहाँ पे क्या है सेम थ्री डिजिट है तो हमें क्या करना है यहाँ पे 1 2 3। अभी यहाँ से हमें सम स्टार्ट करना है तो फर्स्ट क्या है 7 5 7 जा 35। अब ये 7 5 7 जा 35 करना है
था। तो हमें क्या करना है, पहले हमने यहाँ से स्टार्ट किया फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब हमें यहाँ से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब यहाँ से 35 करना हमें, तो 10, 20, 30, ये हमने क्या किया 30 को ऐड किया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 5 को और ऐड करना है 5 को, तो यहाँ पे क्या किया हमने 5 को ऐड किया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ 35 हमने ऐड किया, अभी क्या करना है 5 2 10, अभी 5 2 10, तो अभी हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे कौन से यहाँ पे है सेकंड पे, अभी तक हम यहाँ पे थे फर्स्ट पे, अब यहाँ पे है सेकंड, अब यहाँ पे सेकंड पे है तो हमें क्या करना है यहाँ से स्टार्ट करना है सेकंड से, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है 5 2 10, तो भी यहाँ से स्टार्ट करना है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 10 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने 10 भी किया, अब उसके बाद यहाँ पे क्या इसकी वैल्यू क्या समझेंगे हम 0, क्योंकि हमने थर्ड था हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमने थर्ड डॉट से हमने सम स्टार्ट किया, सेकंड पे आए 2 5 10, तो हमने 10 को भी ऐड किया, अभी इसके आगे इसकी वैल्यू क्या समझेंगे हम 0, तो अभी इसके आगे हम इसकी वैल्यू 0 समझेंगे, तो अभी आंसर क्या आएगा 10 20 30 35 36, और ये इसकी वैल्यू 0, तो 3 36 मतलब, तो ये हो गया आंसर, मतलब इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे 0 समझना है। 1 डिजिट में हमने क्या किया इसकी वैल्यू 0 समझते थे, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 समझते, पर यहाँ से हमने सम स्टार्ट किया था क्योंकि वो 1 डिजिट था, यहाँ पे 3 है 1 2 3, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ से स्टार्ट किया, इसलिए आंसर यहाँ से हम स्टार्ट किए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो 10 20 30 35 36, 100 200 300 350 360, ठीक है 360 हुआ, और इसकी वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 0, इसलिए यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 10 नहीं समझना, मैंने 10 बोला पर आपको 10 नहीं, यहाँ पे क्या 100 200 300 350 360, 360 के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा इसकी वैल्यू 0, तो यहाँ पे आंसर कितना है दैट इज 360। अभी 87 मल्टीप्लाई 2 हमें करना है, जैसे कि अभी मैंने बताया ये 2 8 जा, अब हमें क्या करना है पहले 2 8 जा, 2 8 जा 16, पर अभी यहां से क्या कर रहे हैं 1 2 3, 3 है तो हमें यहाँ पे क्या करना है 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट करना है, तो 2 8 जा, अभी यहाँ पे 16 करना है, तो 10 हमने किया, अब यहाँ पे क्या करना है 6, यहाँ पे हमने क्या किया 6 को ऐड किया 2 8 जा 16, अब यहाँ पे क्या है 2 7 जा 14, अब 2 7 जा 14 करना है, तो अभी हम कौन से सम पे है सेकेंड पे, तो सेकेंड से, तो अभी हमें सेकेंड से करना है, तो ये क्या करना है 2 7 जा 14, ये 10 ये 4, तो कितना 100 150 160 170 171 172 173 174, तो यहाँ पे डेट इज आंसर कितना आया 174। तो हम बस सिंपल, हमने थर्ड हमारा 3 डिजिट है, तो हम थर्ड डॉट से स्टार्ट कर रहे हैं आंसर, जब हम सेकंड पे आएंगे तो हमें ये थर्ड वाला छोड़ के सेकंड से स्टार्ट करना है, जैसे कि 7 2 14 बोला, तो हमने 14 यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पर, मतलब हमने ये 2 बिट्स मतलब ये 2 में हमने 14 को ऐड किया, तो यहाँ पे क्या आया 174, दैट इज आंसर कितना आया 174। अब नेक्स्ट 45 मल्टीप्लाई 3, अभी 45 मल्टीप्लाई 3 करना है हमें, अभी हमें क्या करना है 45 सेम 1 2 3, कितना डिजिट है 3, 1 2 3, अब हमें क्या करना है 45, तो 10 20 30 40, ठीक है हमने क्या किया 40 को ऐड किया, 45 मल्टीप्लाई 4, तो कितना हुआ 4 जा 12, तो अभी हमें क्या करना है 10 12, हमने 12 किया, अभी 3 5 जा 15, अभी 3 5 जा 15 करना, अभी हमें यह क्या करना है 3 5 जा 15, अभी हमने ये सेकेंड पे, तो यहाँ पे क्या 10 यहाँ पे 5, तो 1 100 110
120, 130, 135। हमने क्या किया, 3 से पहले 4 थी जा 12, हमने 3 से स्टार्ट किया, 12 किया, फिर हमने क्या किया, 5 थी जा 15, हमने 15 करने के लिए सेकेंड पे आए, यहाँ पे 10 को ऐड किए, फिर यहाँ पे यूनिट में 5 को ऐड किए, मतलब 135, 110, 130, 135, 110, 120, 130, 135, डेट इज आंसर कितना आया 135। अब हमने ये सारे सम आगे मल्टीप्लिकेशन हम ये एबेकस पे किए, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आगे का सीखने वाले हैं। इसके लिए आप अपने ये नोटबुक में नोट डाउन जरूर करें और 229 टेबल जरूर लिखें, और हम नेक्स्ट एपिसोड में वापस नेक्स्ट सम के साथ फिर मिलेंगे, और इसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।